हिमाचल की धरती से एक बार फिर बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करने की तैयारी पूरी हो गई और इस तैयारी की बागडोर इस बार विकास पुरुष एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली के बेटे एआईसीसी सचिव आरएस बाली ने संभाली है। 10 साल पहले जिस तरह से जीएस बाली ने बेरोजगार युवाओं के लिए सड़क पर संघर्ष किया था, आज 10 साल बाद उनके बेटे एक बार फिर कांगड़ा से रोजगार संघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। 20 अगस्त यानी शनिवार के दिन सुबह 9 बजे माँ चामुंडा का आशीर्वाद लेकर आरएस बाली इस यात्रा का आगाज करेंगे और 21 अगस्त यानी रविवार शाम यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा के जरिए भारी से भारी संख्या में युवाओं के साथ हिमाचल की जनता को एकजुट करने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है। रोजगार संघर्ष यात्रा का रोड मैप क्या होगा और इसको सफल बनाने के साथ साथ सरकार को घेरने की क्या रणनीति होगी, धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएस बाली ने ये साफ कर दिया। पहला चरण है, हम यहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे और चामुंडा जी से माथा टेक के हम धर्मशाला पहुँचेंगे। धर्मशाला से हम शाहपुर जाएंगे, शाहपुर से हम नूरपुर जाएंगे, नूरपुर से हम फतेहपुर जाएंगे, ज्वाली जाएंगे, इंदौरा जाएंगे और अलग अलग जगहों पे हम रैलियां करेंगे और रोड शो करेंगे। ये सब आप लोग लाइव भी देखेंगे, पूरा देश देखेंगे, पर इसका एक ही मकसद है। मकसद है कि बेरोजगार जो घर में बैठ के तड़प रहा है, जिसको परेशानी है, जिसको लाचारी है, जिसको तड़पन है, जिस माँ को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस पिता को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस बहन को तड़पन है अपने भाई की, जिस भाई को तड़पन है अपनी बहन की, और जो बेरोजगारी के लिए परेशान है, रोजगार मांगने के लिए परेशान है, चिंता कर रहा है कि मैंने अलग अलग जगह जाके फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल सरकार में हजारों पद जो सेंक्शन है वो खाली पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर प्रदेश और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा से हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता खुद इस यात्रा को एक शंखनाद के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने खुद पूर्व पीएम राजीव गांधी और पूर्व मंत्री जीएस बाली के संघर्षों को याद किया और इस यात्रा को उन महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि बताया। 20 अगस्त का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी का भी कल जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर रघुवीर बाली जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस कल से रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रही है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आदरणीय बाली जी हमारे बीच में नहीं, उनके सुपुत्र ने उनकी विरासत को उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ा जलसा जहाँ पर लोगों की सेवा करके ये ऐलान किया था कि हम ये यात्रा राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू करेंगे। दोनों दिन हमारे लिए, हमारे भूतपूर्व नेता जो अब हमारे पास हमारे बीच में नहीं रहे, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं, चाहे स्वर्गीय बाली जी हो चाहे हमारे नेता राजीव गांधी जी हो, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम हिमाचल के देश के युवाओं को बेरोजगारी की मार, नशे की मार का शिकार नहीं होने देंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को मात्र 3 महीने बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर जनता और युवाओं को अपने पाले में करने की कवायद में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए पार्टी युवाओं और जनता के बीच खुद को और मजबूत करके निकलेगी, क्योंकि जो यात्रा आरएस बाली निकालने जा रहे हैं, 2012 में इसी यात्रा का शंखनाद उनके पिता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने किया था और उस वक्त उनको युवाओं का भारी समर्थन भी मिला था। नतीजा ये रहा कि वह युवाओं को उनका हक दिलवाने में कामयाब भी हो गए। ऐसे में शनिवार से शुरू होने वाली रोजगार संघर्ष यात्रा में आरएस बाली किस प्रकार अपना दमखम दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।